गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ रहेगा कि आपने वीडियो एडिटिंग कर डाला और फिर से जब आप प्रोजेक्ट शुरू करने गए तो वो पूरा प्रोजेक्ट ऑफलाइन हो गया, या फिर कोई तो फाइल मिसिंग हो गया, या फिर एक्सपोर्ट करते टाइम पे वो जो प्रोजेक्ट है वो करप्ट हो गया। तो वो सब प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुए हैं और ये वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसके वजह से आप ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हो। हेलो वॉन्डरर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो में मैं मेरा पूरा वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसका मतलब जहाँ से आप फुटेज कॉपी करते हो तब से लेके वीडियो एक्सपोर्ट करने तक के जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया रहेगा जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ऑफलाइन चला गया, या फिर कोई तो वीडियो फाइल मिसिंग हो गया क्योंकि आपने गलती से वो डिलीट कर दिया, या फिर आपको वो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर का जो प्रोजेक्ट है वो निकाल के कोई और कंप्यूटर में स्टार्ट करना है फॉर एनी रीज़न, पर वो शुरू नहीं हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए हैं, बट पिछले 7-8 साल के वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस में मैंने कुछ ऐसे टिप्स मेरे खुद के डेवलप किए हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, जिसके वजह से मुझे वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होते। और आपको मैं ये गारंटी देके बता सकता हूँ कि ये जो टिप्स है ये आपने हार्डली कोई और वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल में सुने रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। तो जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मेरा जो स्टेप होता है वो है फोल्डर क्रिएट करना वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक वेडिंग का मेन फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने जितने भी वेडिंग्स किए उसके सबके फोल्डर्स है विद डेट। तो उसमें मुझे समझता है कि मेरा सबसे पुराना वेडिंग कौन सा है और सबसे रिसेंट वाला वेडिंग कौन सा है, और मैं हर एक फोल्डर को उसके डेट के साथ उसको नाम भी देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने विनीत और राशि का एक फोल्डर बनाया है, उसके बाद में मैंने उसके अंदर 3 और फोल्डर बनाए हैं। तो जो सबसे पहला फोल्डर है वो है अडोब का। ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर है क्योंकि ये फोल्डर में पूरे प्रोजेक्ट फाइल सेव होते हैं। जो मेरा नेक्स्ट फोल्डर है वो है सिनेमैटिक सॉन्ग्स, और वो मैंने एक फोल्डर में डाल के रख दिए। फिर जो मेरा लास्ट फोल्डर है वो है फुटेजेस, और फुटेजेस के अंदर और 3 फोल्डर्स है। तो फर्स्ट जो फोल्डर है वो है कॉकटेल का, फिर सेकेंड फोल्डर है वो है इंटरव्यूज़ का, और जो थर्ड फोल्डर है वो है वेडिंग का। तो उस वेडिंग में 2 सिनेमाटोग्राफर्स थे, तो वो 2 सिनेमाटोग्राफर्स का भी मैंने उनके नाम से फोल्डर बनाया है। और जो फर्स्ट सिनेमाटोग्राफर है उसने 3 कार्ड यूज़ किए थे तो मैंने सेव भी उसी तरीके से किया है, और जो सेकेंड सिनेमाटोग्राफर है उसने 2 कार्ड यूज़ किए थे तो उसको भी मैंने उसी तरीके से सेव किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड रहते हो, और उसके वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सारा फुटेज है वो एक जगह पे रहता है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ये डिलीट करो। यूजुअली जो नए एडिटर्स रहते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी अगर कोई सॉन्ग डाउनलोड कर दिया या फिर कोई इमेज डाउनलोड कर दिया तो वो डाउनलोड के फोल्डर में रह जाता है, वो डायरेक्टली वहाँ से वो फाइल इंपोर्ट करते हैं अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में और एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट फिर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने एडिटिंग ख़त्म कर दिया और फॉर एनी रीज़न आपने डाउनलोड्स में जाके वो इमेज डिलीट कर दिया तो वो वहाँ पे ऑफलाइन चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी आपके फुटेज है, फिर वो छोटे से छोटा इमेज फाइल हो या फिर एक सॉन्ग हो या फिर बड़े से बड़ा वीडियो हो या फिर इंटरव्यू हो, सबका सब एक फोल्डर में होना चाहिए। तो उसके वजह से कोई भी फाइल मिसिंग नहीं जाएगा। तो आपने ये सारे फोल्डर्स तो बना डाले, उसके अंदर जैसे मैंने बोला कि अडोब जो सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर है, तो वो क्यों है कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो प्रीमियर आपको पूछता है या फिर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा कि इसका जो लोकेशन है प्रोजेक्ट फाइल का वो क्या होना चाहिए। तो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो कभी भी सिलेक्ट मत करो, आप ब्राउज में जाके जो आपका लोकेशन है जिधर आपने अडोब का फोल्डर बनाया वो फोल्डर का लोकेशन सिलेक्ट करो, तो जो आपका प्रोजेक्ट फाइल है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे ही सेव होगा। तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि ये जो फाइल है वो कहाँ पे सेव हो रहा है, और जो नाम रहेगा प्रोजेक्ट का वो भी आप मेक श्योर करो कि कुछ ऐसा नाम दो जो आपको याद रहेगा कि वो ये रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए ही है। गाइज, जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है इंटरफेस। प्रीमियर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट इंटरफेस अवेलेबल करके देता है, और एज अ बिगिनर आप वो इंटरफेस को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि असेंबली है, तो असेंबली में आप अपने जितने भी फोल्डर्स है वो असेंबल कर सकते हो। उसके बाद में एडिटिंग वाला इंटरफेस है जिसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो। बट ओवर द पीरियड जैसे आप वो सॉफ्टवेयर के साथ फ्रेंडली हो जाते हो तो आपको समझता है कि कोई पैनल्स आपके हिसाब से सेट नहीं किए हैं, तो उस टाइम पे आप आपका इंटरफेस मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। और ये इंटरफेस मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है,
जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे इंटरफेस में असेंबली पैनल के बाजू में ही इफेक्ट का पैनल है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा इजी है और मैं असेंबली और इफेक्ट्स वाले पैनल में इजीली शफल करके मेरा एडिटिंग कर सकता हूँ। बट अगर आपके हिसाब से आपको वो इफेक्ट वाला पैनल आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में चाहिए तो वो मूव करना बहुत ईजी है। बेसिकली आपको इफेक्ट वाला पैनल पर सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके लेफ्ट में लेके जाना है और वहाँ पर उसको छोड़ देना है, तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो ऐसे पैनल्स ड्रैग करके आप आपके हिसाब से इंटरफेस डेवलप कर सकते हो, जो कि आपके एडिटिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा फास्टर बना सकता है। गाइस, जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है इंपोर्टिंग। तो जैसे आपने बाहर फुटेजेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, सिमिलरली जब आप अपना एडिटिंग स्टार्ट करते हो तो असेंबली के टाइम पे आप अपने फुटेजेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करो। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो सबसे पहला फोल्डर जो मैंने बनाया है वो है फुटेजेस का, और फुटेजेस के अंदर मैंने अलग अलग फोल्डर्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू डे या फिर जो स्पेसिफिक उस टाइम पे का जो इवेंट था वो। तो यहाँ पे मैंने 3 फोल्डर्स बनाए हैं फुटेजेस के अंदर, जो कि है हल्दी का, उसके बाद में इंटरव्यूज़ का और उसके बाद में वेडिंग का। और वो फोल्डर्स के अंदर उसके रिलेटेड ही फुटेजेस मैंने सेव करके रखे हैं, मुझे कोई और फोल्डर में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्रिएटिंग सीक्वेंस और कलर कोडिंग। तो आपने जब सारा इंपोर्ट कर लिया है तो हर एक फोल्डर का एक अलग टाइमलाइन बनाओ। तो जैसे हल्दी का आप एक टाइमलाइन बना सकते हो, फिर उसके बाद में वेडिंग का एक टाइमलाइन बना सकते हो, और जो आपका इंटरव्यूज़ है उसका भी अलग टाइमलाइन बना सकते हो। तो आपको हर एक टाइमलाइन में आपको वो पर्टिकुलर फुटेज मिलेगा। तो उसके साथ साथ मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करता हूँ कि मैं हर एक फुटेज को कलर कोड देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने हल्दी के फुटेज को मैंगो कलर दिया है, और फिर मैंने इंटरव्यू को ब्लू कलर दिया है, और हर एक सिनेमाटोग्राफर के फुटेज को अलग अलग कलर दिया है। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये मैं आपको वेडिंग के फुटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, बट आप ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हो तो अगर आपने क्लोजअप शॉट्स लिए तो क्लोजअप शॉट्स को आप एक कलर दे सकते हो, उसके बाद में जो वाइड शॉट्स है उसको आप अलग कलर दे सकते हो, ड्रोन शॉट है उसको आप अलग कलर दे सकते हो। तो इसमें बहुत ईज हो जाता है, जब आप एडिटिंग करते हो तो आपको समझ जाता है कि ये पर्टिकुलर फाइल का कलर सिंस ये है तो इसके अंदर सिर्फ क्लोजअप्स रहेंगे, इसके अंदर सिर्फ वाइड शॉट्स रहेंगे। तो ओवरऑल जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और उसके साथ साथ जब आपका पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाता है तो आपका जो पूरा टाइमलाइन है वो एक कलर का नहीं दिखता, वो अलग अलग कलर के साथ बनाया हुआ रहता है। तो उसकी वजह से आपका टाइमलाइन भी बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखता है। जो मेरा फिफ्थ टिप है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको आपका एडिटिंग फास्टर और इफ़िशियंट करना है। तो जो मैं शॉर्टकट्स रेगुलरली यूज़ करता हूँ वो है सी, वी और आर। सी से मैं बेसिकली फाइल को कट कर सकता हूँ, वी से मैं फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और आर से मैं फाइल को टाइम स्ट्रेच कर सकता हूँ, जिससे मेरा फुटेज स्लो हो सकता है या फिर फास्ट हो सकता है। नेक्स्ट शॉर्टकट जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ वो है प्लस और माइनस। अगर आप प्लस दबाओगे तो आपका टाइमलाइन जूम इन होगा, और अगर आप माइनस दबाओगे तो आपका टाइमलाइन जूम आउट होगा। उसके साथ साथ अगर आप कंट्रोल प्लस या फिर कमांड प्लस करोगे तो आपका जो वीडियो फाइल है वो स्ट्रेच होगा वर्टिकली, और अगर आप कमांड माइनस करोगे तो आपका जो वीडियो फाइल है वो श्रिंक होगा। आप जे और एल वाला शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। जे से आप आपका फुटेज बैकवर्ड्स प्ले कर सकते हो, और एल से आप आपका फुटेज फॉरवर्ड प्ले कर सकते हो, और अगर आप एल को डबल बार दबाओगे तो आपका जो फुटेज है वो फास्ट फॉरवर्ड में प्ले होगा। तो ऐसे कई ज़्यादा शॉर्टकट्स मैं यूज़ करता हूँ जिसके वजह से मेरा एडिटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। अगर आप कोई शॉर्टकट रेगुलरली यूज़ करते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके वजह से एडिटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्टर होता है तो वो कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताओ, तो मेरे साथ साथ और भी जो देखने वाले उनको भी हेल्प होगा। मेरा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है डेडिकेटेड लेयर्स। इसका मतलब जब आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पे अलग अलग लेयर्स दिखते हैं। आपको वीडियो के अलग लेयर दिखते हैं V1, V2, V3, और आपको ऑडियो के भी अलग लेयर दिखते हैं A1, A2 और A3। तो जब आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप हर एक लेयर को एक डेडिकेटेड चीज़ दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप V1 पे इंटरव्यू डाल रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप V1 पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज़ ही डाल रहे हो, और अगर आप V2 पे बी रोल्स डाल रहे हो तो V2 पे सिर्फ और सिर्फ बी रोल्स ही डालो। उसी हिसाब से V3 पे आप कलर करेक्शन डाल सकते हो, ऐसे आप ऐड ऑन कर सकते हो, पर फिर आपको पता रहेगा कि हर एक लेयर पे आपने क्या दिया है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि ओवर द पीरियड आपका टाइमलाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपको वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इसलिए आप मेक श्योर करो कि आपका हर एक लेयर डेडिकेटेड है,
इसके वजह से आपका काम भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और ओवरऑल टाइमलाइन मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। जो मेरा सेवेंथ पॉइंट है वो है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर में यूज़ करता हूँ कलर करेक्शन के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए और ट्रांजिशन के लिए। तो जैसे मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बोला कि आप हर एक लेयर को डेडिकेट करो किसी चीज़ के लिए, उसी तरीके से मैं एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करके मैं हर एक लेयर पे मेरा कलर करेक्शन डेडिकेट करता हूँ, मेरा कलर ग्रेडिंग भी डेडिकेट करता हूँ और उसके साथ साथ अगर मैंने कोई ट्रांजिशन यूज़ किया है वो भी मैं एडजस्टमेंट लेयर पे ही करता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मैंने एडजस्टमेंट लेयर पे कलर करेक्शन किया है और अगर मेरे क्लाइंट को मेरा कलर करेक्शन अच्छा नहीं लगा या फिर फॉर एनी रीज़न मुझे पूरी तरीके से कलर करेक्शन ऑफ़ करना है, तो मैं सिर्फ वो लेयर को ऑफ़ कर देता हूँ या फिर वो एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट कर डालता हूँ, जिसके वजह से जो मेरा रॉ फाइल है वो वैसे का वैसे ही रहता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा जो लास्ट टिप है वो है बैकअप। आप में से काफ़ी सारे लोग बैकअप लेते रहोगे पर वो सिर्फ फुटेजेस का। मैं भी पहले फुटेजेस का ही बैकअप लेता था बट अभी मैं फुटेजेस के साथ साथ अडोब का जो फोल्डर है उसका भी बैकअप लेता हूँ। तो ऐसा मेरे साथ पहले कई बार हुआ है कि मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया और वो अप्रूव ही हो गया, बट एक दो महीने के बाद में उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते थे या फिर क्लाइंट को उसका लॉन्गर या फिर शॉर्टर वर्जन क्रिएट करना रहता था। सिंस मेरे पास अडोब का फोल्डर नहीं रहता था तो मुझे पूरा एडिटिंग वापस स्टार्ट करना पड़ता था। मैं अभी प्रोजेक्ट फाइल भी सेव कर लेता हूँ तो मुझे कोई भी चेंज आता है तो मैं प्रोजेक्ट फिर से ओपन करके उसके अंदर चेंजेस करके क्लाइंट को वापस डिलीवर कर देता हूँ। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है वो अडोब फोल्डर को कॉपी करने का। उसके साथ साथ अगर आपने ये पूरा का पूरा फुटेज अगर हार्ड डिस्क में कॉपी किया है तो वो फुटेज आप कहीं पे भी और कोई भी कंप्यूटर पे वापस ओपन कर सकते हो क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट फाइल अवेलेबल है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर करो कि आप ये सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइज़।